सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम लोग फिर से खेलेंगे द सन्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो पिछली बार हम लोग गए थे 3D प्रिंटर वाली केप पे गए थे हम लोग, और वहाँ से हमको मिल गई थी चेनसो। अब चेनसो का मेरे को ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, मैंने पहले अपना बेसिस बना रखा है, और वहीं पर हमको मिल गए थे वाले सोलर पैनल। तो इससे मैंने अपनी सारी लाइटें कनेक्ट कर दिया, ऐसे वायर लगा लगा के ऐसे नीचे लगाई है मैंने, ये सीधे नीचे चली जाती है यहाँ से। तो अगर नीचे चलूँ मैं तो एक तो यहीं पर है मेरी, ऐसे इसको ऑन और इसको ऑफ कर सकते हैं, और अंदर बहुत सारी है ये देखो। अब पूरी हर जगह बिजली बिजली आ गई है, हमारे गांव में बिजली आ गई है अब तो। और हम लोग ये भी ले आए थे, मैंने इसकी वीडियो बना दी थी पहले, लेकिन ये बिल्कुल मिली थी केव के बाद, और मैंने इसको अपलोड पहले कर दिया था। और यहाँ देखो मैंने एक ट्रैप बना रखा है यहाँ पर, टर्टर वाला जो स्प्रिंग ट्रैप है, बुक में आप बना सकते हो इसको। तो देखो अगर मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ तो ये मेरे को ऐसे उछाल देता है, इतना उछालता है, और एनिमी को तो मार ही देता है इतना उछाल के। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ये नाइट वी स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटर बोलता हूँ मैं इसको, और इसके ऊपर मैं इसके बाद जाऊं, अब ये देखो कहाँ तक जा सकता हूँ। सीधे मैं अपने बेस से यहाँ तक आ गया, वो देखो यहाँ से यहाँ तक लगभग जिप लाइन की जितनी दूरी है यहाँ पर मैंने उतना आ गया हूँ। और ये बहुत बढ़िया है, बहुत दूर तक हमें उछाल के रख देता है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं मैप निकाल लूं, तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, इसको जूम आउट करते हैं। अब वो देखो मैं आपका गन निकाल लेता हूँ, इस दिशा में पॉइंट कर रहा हूँ मैं, इस दिशा में वो केव है। ये सही से पॉइंट भी नहीं कर रहा, इस पर खड़ा होके उतरते हैं इसे है। ये रहा और सन आ रहा है। तो इस दिशा में हम लोग गए थे, यहाँ पर हमको 3D प्रिंटर केव मिली थी, वहीं पर आप देखोगे ध्यान से तो एक साइन बन गया है मैप में, एक लोगो बन गया है वहाँ पर, ये वाली नाइट वी साइकिल होती है। तो अब वहाँ पे मेरे को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने लगभग सारी केव इधर की एक्सप्लोर कर लिया, तो आज मैं चलूँगा ये माउंटेन के ऊपर, क्योंकि अगर आप माउंटेन पे अगर ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं। यहाँ पे एक दो दिखाई दे रही है मेरे को, यहाँ पर फुल स्क्रीन मैप होना चाहिए था इनके पास, लेकिन है नहीं। ये ठीक भी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन ऐसे दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है। मतलब इस माउंटेन के ऊपर बहुत सारी केव है, तो हम वहाँ चलेंगे, और ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छा तो यही है, बस लो और निकल लो। यहाँ पे ट्रैप किसी ने मेरा चालू कर दिया, इनमें से ही किसी ने चालू कर दिया हुआ है। तो चलो सब फटाफट मैं चलता हूँ यहाँ पे आगे। ये देखो ये बहुत तेज़ चलता भी है, हम लोग फटाफट पहुँच जाएंगे। हम मैप निकाल लेते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं। ऐसे हमको अभी सीधे चलना है, वहाँ पर केव है, हम लोग वहाँ देखेंगे क्या मिलता है हमको केव के अंदर। तो चलिए फटाफट चलता हूँ, यहाँ पे कैनिबल्स का कैंप है, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये लोग मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे इस चीज़ के ऊपर। ये तो गाइस हम अभी तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये वाली केव तो यहीं पास में है जहाँ पे आदमी लटका रहता है। यहाँ हम जा चुके हैं, यहाँ पे हमें कुछ मिला था, अब याद तो आ नहीं रहा मेरे को यहाँ मुझे क्या मिला था। अब इसके एग्जैक्ट ऊपर जाना है मुझे इधर, तो ये किसी भी पहाड़ पे चढ़ जाती है स्कूटर, ऐसी है कहीं भी चढ़ा दो अब चढ़ जाएगी। ये देखो अगर सीधे मैं चलूँ इसके ऊपर तो फटाफट चढ़ जाऊँगा मैं। तो ऐसे करके मुझे सीधे जाना है इसके ऊपर। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं ये वाली पहाड़ ये चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती है। ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये चढ़ रही है फटाफट। ये भैया कमाल का अपडेट है, इसमें ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। ये देखो मैं सीधे सीधे चढ़ गया इस पहाड़ के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पास में ये वाली केव है, चलो यहाँ चलता हूँ फटाफट। सो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये देखो ये केव है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ से जंप करते हैं सीधे नीचे, इसमें कोई फॉल डैमेज भी नहीं है। ये रहे हम लोग यहाँ पर आ गए, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, अभी उतर जाते हैं इससे। यहाँ पे थोड़े कैट फूड है और पैसे हैं, और ये क्लॉथ है, इसका तो कोई काम नहीं है। ओके रस्सियाँ हैं, और ये स्लेज जैसी चीज़ है, पता नहीं क्या है ये, वो जो बर्फ़ में नहीं फिसलते हैं इसके ऊपर वो वाली चीज़ है, सही है। और यहाँ पे कुछ बोतलें हैं और बहुत सारा मनी है। ये रहा, यहाँ पे ले लिया मैंने मनी ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे भी सर्वाइवर्स होंगे पहले।
ओके, और ये है केव। चलो चलते हैं इसके अंदर फटाफट। ये बर्फ़ वाली केव है मेरी, पहली बर्फ की केव है। ये सब लोग स्केलेटन बन गए हैं जम जम के। यहाँ पे कुछ क्रेट्स हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ओह कैट फूड है इसमें, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक आइटम है, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके अरे ले ले भाई। ओके ले लिया। अब देखे यहाँ पे अब कहाँ जा सकता हूँ मैं इधर से, यहाँ कहीं नहीं जा सकता मैं शायद। यहाँ सब जगह बुक है, बुक है मतलब ब्लॉक है, कुछ भी नहीं है इसके में। इधर से तो मैं आया हूँ और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, पहली केव मिली है जिसमें कुछ मेरे को मिला नहीं है। बर्फ की सारी केवें ऐसी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है। और केव्स हैं इस पहाड़ पे, बहुत सारी केव्स हैं। चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अगर ये मैं सीधे आपको अगर मैप में दिख रहा हो तो बीचों बीच नदी है, वहाँ पे एक और केव है इस डायरेक्शन में सीधे यहाँ पे। हमको वहीं चलना है इस पहाड़ी के ऊपर सीधे। तो कहाँ गई मेरी स्कूटी? ये रही स्कूटी, मिल गई। अब पहाड़ चढ़ते हैं इससे फटाफट, देखते हैं हम लोग पहाड़ चढ़ पाते कि नहीं। वो तो चढ़ गए तो मुझे नहीं लगता कि ये नहीं चढ़ पाएंगे, ये तो सीधा है। ओके मैप निकाल लेता हूँ मैं कि खो ही ना जाऊँ कहीं। ओके ये रहा, हमको यही सीधे सीधे चढ़ना है। अगर ये चीज़ मेरे पास ना होती तो क्या करता मैं, बहुत टाइम लगता है इसको एक्सप्लोर करने में। ये अपडेट बहुत मज़ा आया मेरे को। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये लोग साइकिल वाइकल ऐसे देंगे कि उसमें स्टैमिना भी यूज़ हो सकता था, स्टैमिना यूज़ करके हम लोग ज़्यादा देर चला ना पाए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्कूटर ही दे दिया है पूरा बढ़िया। ये भी मतलब साइकिल होती तो उसमें स्टैमिना मीटर का भी यूज़ हो पाता, ठंड वंड भी सही थी। ये भी सही है कि हम लोग फटाफट पहुँच गए। ओके तो अब मेरे को यहाँ सीधे जाना है, शायद इधर से नीचे जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा। ओ तेरी, ये गिर गए। ये है पहाड़ चढ़ जाता है लेकिन हल्का सा पत्थर लग के गिर जाता है। ये रहा, हम लोग यहीं पास में ही है यहाँ पे। अब मेरे को नीचे उतरना है शायद। ओके नीचे ही है, नीचे चलते हैं यहाँ से। नीचे जाना तो आसान ही है। ये रहे आ गए हम लोग यहाँ पे। चल भाई निकल जा निकल जा। यस ये आ गए हम लोग नीचे यहाँ पे। ओके यहाँ पे कहाँ था? ये रहा राइट साइड में है। ये रहा उत्तरी, निकल भाई निकल। कहाँ फंस गया ये? अरे यहाँ पे कैंप है, यहाँ पे कैंप है। ओ क्या है इसमें? अरे ये क्या है, ये क्या है ये? अरे उतरा नहीं हूँ क्या मैं अभी तक स्कूटी से? अच्छा ये ग्लाइडर है, ये अपडेट 1 या 2 में आया था मेरे को, अभी जाके मिला ये। सही है। और क्या है यहाँ पे? और स्लेज है। ये बंदा हेलमेट में पड़ा है, हेलमेट ही दे देता मेरे को। ओके फूड वूड है, थोड़ा मेडिसिन है इसमें, जिपलाइन भी है। अच्छा बुलेट्स हैं, कौन से बुलेट्स दे रहा है ये? अच्छा 9mm की बुलेट है, थोड़ा फूड वूड है। सही है। और इनमें बेसिक्स बेसिक सामान होता है भैया। हाँ अब यहाँ पे ये लोकेशन हो गई है। अच्छा अगर मैं जूम आउट करूँ तो जहाँ पे मैं अभी हूँ यहीं पे ग्लाइडर है। मेरे को ये याद नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये रहा, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ। ये लगा दिया स्टिक। अब हमारे पास है यहाँ पे, ये बहुत सारा मिला है हमको, ये GPS कलेक्टर। अब इसको हमको ऊपर लगाना है। क्या सिंबल बनाए हम इसका? बैटरी टैक हार्ट केव हेलीकॉप्टर के सर्कल हाउस। अच्छा इसका भी सिंबल ऐड कर दिया उन्होंने। अच्छा ग्लाइडर का सिंबल है। ओके
ऐड हो जा भाई। रख दिया क्या इसने? अच्छा रख दिया इसने, मैंने मैप में रखा ग्लाइडर का सिंबल है और ये दिखा हरा रहा है। ये बकवास है, ये तो मेरे जो हाथ में है वो दिखा रहा है, सही है, और ऐसे ये मैप में हरा दिखा रहा है। चलो कोई ना, ये भी ठीक है, ओके। क्योंकि अभी तो मैं इसको चलाऊंगा नहीं, अभी तो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। इसको यहीं रखते हैं और चलते हैं हम अपनी केव पे। कहाँ गया? मैप निकालते हैं, यहीं पास में ही केव है। ओए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये खतरनाक था भाई। अच्छा उस साइड है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, सेव का पॉइंट आ रहा है। अच्छा सेव हो गया, हम इसमें चलते हैं, हम इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें तो कुछ मिल जाए हमें। कहाँ गया? अच्छा ये रहा, अच्छा ये ऐसे है एंट्रेंस, ये रहा, अंदर चलते हैं। हाँ ये केव बड़ी लग रही है, बड़ी। ये भी ख़त्म हो गई यार, इनके पास कुछ स्पेशल चीज़ है? स्पेशल चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये भी ख़त्म हो गई। यहाँ भी कुछ सी है, मुझे नहीं चाहिए कंटेनर, बहुत स्टफ है मेरे पास पहले ही। ओके यहाँ भी कुछ ना मिला मेरे को, दो केव मिल गई है ऐसी जिसमें कुछ नहीं है। बर्फ़ में कुछ है भी कि नहीं है यार? ये मैप देखना भी सरदर्दी है। कहाँ से आया था मैं? अच्छा उधर से आया था मैं, ये दो केव देख चुका हूँ। पहाड़ पे एक और केव है, बाकी पहाड़ से सटी हुई है। अगर सीधे इस दिशा में जाया जाए तो एक और केव है, दूर है, तो चलते हैं हम वहाँ भी चलते हैं और एक बार देख लेते हैं वहाँ पे क्या है। ओके लेकिन हमको यहाँ पे ग्लाइडर अच्छा मिल गया है, वो सही है। बाद में मैं इधर से जाते समय ग्लाइडर लेके घर चला जाऊँगा, बेस में चला जाऊँगा मतलब। ओके स्कूटी अपनी ऑन कर ली और देखते हैं कहाँ है। ओके सीधे इस डायरेक्शन में जाना है मेरे को, इस पहाड़ के डायरेक्शन में। चलिए फटाफट मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ। ये देखो गाइस मैं अभी कहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे पूरा, ये देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है, लगभग आधा आइलैंड दिख रहा है इधर का। नीचे केव है इसके, उनको नीचे उतरना है यहाँ से। हल्ले हल्ले भाई गिरा मत दियो, यहीं मौत हो जाएगी। ओके उतरी उतरी बच गए। अच्छा आसानी से उतर रहा है, सही है। अरे कुछ नहीं हुआ, इतनी आसमान से गिरे हम लोग, कुछ नहीं हुआ हमें, सही है यार ये तो। अब कहाँ जाना, ये रहा पास में आ गए हम लोग इस केव के, यहीं चलते हैं। ओके हम लोग आ गए पूरे पास में आ गए केव के, और यहाँ पे एक और ग्लाइडर का लोकेशन है, ये देखिए। इससे उतरता हूँ मैं, यहाँ पे ग्लाइडर एक और है, सही है। यहाँ पे सर्वाइवर्स हैं जो मतलब यहाँ आए होंगे, इसमें बैटरी है और बेसिक स्टफ़ है, वायर तो आजकल बहुत कम आ रही है। ये क्या चीज़ है? अच्छा इसमें जा ही नहीं सकता मैं, ये तो यूज़लेस है, ये हरा पड़ गया पूरा ठंड से। अच्छा और जिप लाइन मिल गई मेरे को, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ नहीं लग रहा है मेरे को तो, और केव इस दिशा में है, सही है। तो यहाँ पे एक है, तो मैं यहाँ भी मार्क कर लगा ही देता हूँ अपना। ये रहा, और यहाँ पे भी एक मार्क लगा देते हैं। अब ये डंडिया गिर ना जाए, बस इसका है। ये हो गया, एक मार्क लग गया, गुड। अब दो जगह यहाँ मिल गई है अचानक से ही मेरे को, मतलब बहुत जगहों पे है लग रहा है। अब चलते हैं सीधा केव में और देखते हैं हमें कुछ मिलता है बढ़िया, देते हैं कि नहीं देते हैं। ये रहा, यही है शायद, हाँ। तो इससे उतर जाता हूँ मैं और चलते हैं इसके अंदर, इसे रखो अंदर, वेपन निकाल लेते हैं अगर कोई आ गया तो। यार फिर से एक डेड केव, फिर से
कितनी बार ये दे रहे हैं, सिक्के ही ले लेता हूँ मैं इनका। ओके यहाँ भी कुछ भी नहीं है इसमें, केव में भी, ये केव में आज अभी तक कुछ भी नहीं है, शायद नेक्स्ट अपडेट किसी अपडेट में डाल दे लो। ओके मेरा स्कूटर कहाँ गया भाई, मेरा स्कूटर इधर कहाँ चला गया, ये क्या बकवास है। अच्छा फिसल गया ये। ओके मैप निकालते हैं। अब तो मैंने लगभग ये तीन ही केव थे पहाड़ के ऊपर, एक दो तीन, हाँ ये पहाड़ के ऊपर तो तीन ही केव थे शायद यहाँ पे। हाँ यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। ओके अब ये नीचे बहुत सारी केव्स है। मेरा बेस कहाँ पे है, मेरा बेस उधर है और यहाँ पे ये है, मतलब इन दोनों केव में हम नीचे वाले में नहीं गए हैं और यहाँ पे एक ग्रीन मार्क है, हम इधर भी नहीं गए हैं। अच्छा ठीक है, एक कहाँ गया वो ग्लाइडर, ग्लाइडर लेते हैं, ये रहा मार्क किया मैंने, ग्लाइडर लेते हैं और चलते हैं यहाँ से हम लोग अपने बेस पे चलते हैं सीधे। या फिर ये बहुत ग्रीन पास में ग्रीन वाला मार्क है, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। अच्छा सही है, वो तो वहाँ है। चलिए एक बार इस बार ग्रीन वाले मार्क में ही जाके आते हैं और देखते हैं अगर वहाँ हमें कुछ मिल जाए बढ़िया। ये ग्लाइडर ले लेता हूँ मैं, ग्लाइड करते हुए चलेंगे। यहाँ से मैं ग्लाइड कर सकता हूँ क्या, मैप भाई मैप कहाँ है, कहाँ है? इधर है ग्रीन वाला मार्क। चल भाई ग्लाइड करा दे। क्या हुआ, ग्लाइड नहीं हुआ, ग्लाइड नहीं हुआ क्या? अरे भाई ज़्यादा ऊंचा नहीं है क्या ये, कहाँ से शायद हम चोटी से कूद पाए वहाँ से। ओके वहाँ चोटी पे चलते हैं, वहाँ से देखता हूँ वहाँ से मैं कूद पाता हूँ कि नहीं। अभी ग्लाइडर नया है ना तो अपने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है थोड़ी भी। ओके चोटी पे आ गए, अब यहाँ से तो उड़ जाना चाहिए। अच्छा क्या करना है इसको, यहाँ से भी नहीं उड़ रहा भाई। ओके ओके उड़ गए हम लोग, उड़ गए सही है। मैप निकालते हैं, आगे ही ग्रीन वाला मार्क दिख रहा है मेरे को। ओ भाई कितना मस्त दिख रहा है ये, नदी वदी सब कुछ है। इससे बेस तो मैं तुरंत सेकंडों में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब की स्कूटी छूट गई मेरी वहाँ पे। पास में ही लोकेशन है वहाँ, जिप के जिप लोकेशन है मेरी जहाँ पे वो स्पॉन होता है, तो फिर वहाँ से तो मैं ले ही लूँगा। ये रहा ग्रीन साइड, ये बहुत दूर है भाई बेस से अपने, यहीं नीचे है कहीं पे। ओके पास में आ गए हम लोग, ये रहा आ रहे हैं भाई, दूर है अभी भी बहुत दूर है ये भाई। ये होता है ट्रैवल का तरीका, चल भाई ले चल खुले मैदानों में जहाँ पे है। ओके नीचे है, हमको नीचे डाइव लगाते हैं, मरूंगा तो नहीं बट डाइव से ओह बच गया मैं, सही है। ये सब क्या है, रेड फ्रूट सब उठा लेते हैं, अपनी शॉर्ट गन निकालते हैं और चलते हैं ग्रीन वाली लोकेशन पे। क्या है यहाँ पे देखें, इसके बाद शायद हमारी एक ही ग्रीन लोकेशन बची है। वो तो डरा दिया सारे, हट यहाँ से। ओ भाई यहाँ पे तो कैनिबल म्यूटेंट सबका, ये क्या है कितनी तेज आ रहा है। ओके यहाँ पे है क्या, डिग करने की साइड है यहाँ पे, मेरे पास बम भी है यार। चलो मर जाओ फटाफट,
ओके जल्दी जल्दी अपनी शक्लें दिखा दो, मैं सबके भाई भेजे में। अरे यहाँ पे भी स्कूटी का लोकेशन है। अच्छा इस ग्रीन साइड पे लोकेशन है, आप देख लो यहाँ पे ग्रीन डॉट पे भी लोकेशन है इसका। किस्मत बुलंद है मेरी। कहाँ गए? अच्छा ये कैनिबल। ये देखो म्यूटेंट, अरे एंड गेम वेपन है भाई। ओके लगभग सारे खत्म हो गए। अच्छा ये दौड़ रहा है पागल, भाग जाए यहाँ से। ये देखो क्या मस्त चीज है, ये चेयर, ये देखो क्या बना रखा है ये आ रहा भगत। अरे पता नहीं है, टर्मिनेटर का वेपन लिए बैठा हूँ मैं। कोई है और कोई बचा है? नहीं ये रहा। अच्छा यहाँ डिग करना है हमको यहाँ पे। ये चलिए निकालता हूँ मैं अपना सवल और डिग करता हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे मैंने इसको डिग कर दिया है पूरा। मैप रखते हैं अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। मैं ये क्या चीज़ है, मेंटेनेंस बी। ओके ठीक है मेंटेनेंस बी मिल गया हमको। क्या हुआ, खुल नहीं रहा ये क्या? ओके खुल गया ये तो। मेंटेनेंस बी का बंकर है यहाँ पे। लाइट निकाल लेता हूँ मैं, लाइट निकालनी है भाई, और शॉटगन निकाल लेते हैं। मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ओके नाउ हम रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है। ये तो उसी बंकर जैसा है जिसमें गए थे हम लोग। ये फ्लडेड है यहाँ पे, पूरा पानी आ गया है। गन को रीलोड करते हैं तब तक। अच्छा वहाँ यहाँ पे एक रूम है, इस वाले रूम में क्या है? यहाँ कुछ मेरे को वायर मिल गई है, सोलर पैनल, इंक। सोलर पैनल तो लगभग आपको सब जगह मिल जाता है, बल्ब है, थोड़े बल्ब की ज़रूरत तो पड़ती है। ओके बल्ब वल्ब तो मिल गया मेरे को, अब इसमें चलता हूँ रूम में और देखता हूँ रूम में क्या है। और तो वहाँ कुछ नहीं है। ओके फ्रिज पड़ा है, इसमें फूड है, थोड़ा बहुत फूड ले लेते हैं। यहाँ पे भी 3D वो है, 3D प्रिंटर। ये क्या चीज़ है, साइलेंसर मिल गया हमें, सही है। लेकिन अभी गन मेरी वर्जीनिया के पास है, तो फिर इसमें भी सेम ही चीज़ें प्रिंट हो रही है। और तो कुछ नहीं है इधर हमारे से जो छूट गया हो। इस टेबल वेबल पे भी कुछ भी नहीं है। ओके सेम बंकर है, बस यहाँ पानी है, यहाँ सेव कर लेता हूँ मैं। ओके सेम बंकर है, यहाँ पे पानी था, इसमें पानी है, उस वाले में पानी नहीं है, लग तो ऐसे रहा मुझे। यहाँ पे एडवर्ड गिरा पड़ा था। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये हुई ना बात। और क्या क्या है यहाँ पे, कपड़े सपड़े कुछ नहीं। अच्छा ये मेडिसन है, ये लेटा पड़ा है भाई, लेटा क्या है, तो हमेशा के लिए लेट गया है। ओके और तो कुछ नहीं है यहाँ पे ना, प्रिंटर है और ये हमको धनुष मिल गया है, इसको चेक करेंगे अभी भी हम। ओके ये रहा, अब इस रूम में कुछ भी नहीं है शायद। हाँ सेम बंकर है, डिज़ाइन दोनों का सेम है इसमें, लेकिन यहाँ पे वेपन मिला है मुझे, सही है। देखते हैं कौन सा वेपन है, कहाँ चला गया भाई, ये क्या आ रहा है इधर, पता नहीं दीवार के बाहर देख रहा है क्या मेरे प्लस।
अच्छा ये रहा, ये मिला हमें कंपाउंड बो मिला है, सही है कंपाउंड बो मिल गया, और हमें ग्लाइडर तो मिल गया था, बाकी हमें कुछ भी नहीं मिला, कंपाउंड बो मिल गया इस बार। वेपन बहुत है इस गेम में, नीचे से एरो भी बदल रहा है, सही है, वुडन एरो भी यूज़ कर सकता है भाई, गुड। और ये वो एरो तो यूज़ कर ही सकता है, दो ही टाइप के एरो हैं यूज़ कर सकता है, क्रॉसबो का एरो यूज़ नहीं कर सकता, गुड। अच्छा तो इस एपिसोड में तो गाइस इतना ही, अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।